को बता दें, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है और इस दौरान एक जवान शहीद हुए हैं जबकि एक जवान के जख्मी होने की भी खबर मिल रही है। दुखद खबर है, सुरक्षा बल की आतंकियों के साथ मुठभेड़ देर रात से जारी है। जानकारी ये है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों के काफिले पर फायरिंग कर दी थी और इसी के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। लोलाब घाटी इलाके में आतंकियों के छिपने की खबर है। अब ऐसे में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। एक आतंकी ढेर हो चुका है लेकिन इसमें हमें नुकसान भी हुआ है। एक जवान के शहीद होने की खबर मिल रही है और एक जवान जख्मी हुए हैं लेकिन अभी भी क्या आतंकी इस पूरे इलाके में छिपे हो सकते हैं? सर्च ऑपरेशन अभी भी यहां पर चलाया जा रहा है। कुछ देर पहले की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख लीजिए, न्यूज 18 इंडिया पर ये तस्वीरें। रात से ही ये मुठभेड़ चल रही थी और कोशिश सुरक्षा बलों की यही थी कि एक भी आतंकी, चूंकि 2 से 3 आतंकी यहां छिपे हो सकते हैं, ऐसे में कोशिश यही थी कि एक भी आतंकी यहां से बचकर भागने ना पाए और इसी को देखते हुए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। एक आतंकी ढेर हो चुका है लेकिन चूंकि ये आंकड़ा 2 से 3 का था, अभी भी आतंकी यहां पर छिपे हो सकते हैं। अभी भी हमारे जवानों ने वहां पर मोर्चा संभाला हुआ है लेकिन एक जवान के शहीद होने की भी खबर है। एक जवान इस वक्त बताया जा रहा है जख्मी हुए हैं, उन्हें भी अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया गया है। रिपत ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। रिपत, क्या खबर है? एक आतंकी ढेर हुआ लेकिन एक जवान शहीद भी हुए हैं। जी लवलीना, जिस तरीके से आपको मालूम है कि 2 आर्मी पर्सनल जो हैं वो जख्मी हुए थे लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि एक आर्मी पर्सनल जो है, जो बताया जा रहा है नॉन कमीशनड ऑफिसर हैं और वो जख्मों की ताब ना दम तोड़ बैठे हैं। और अभी हालांकि एक और जवान जो है उसका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है लेकिन आपको मालूम है कि कल शाम को ये ऑपरेशन शुरू हुआ था कुपवाड़ा के लोलाब एरिया में और अभी एक मिलिटेंट मारा गया है इस ऑपरेशन में। लेकिन जो आर्मी के 2 लोग जख्मी हुए थे उनमें से एक जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठा है, तो एक नुकसान है ये सेना के लिए लेकिन ऑपरेशन लगातार अभी जारी है। बिल्कुल रिफत, ये बहुत दुखद खबर है। रिफत, क्या अभी वहां पर और भी आतंकियों के छिपे होने की कोई खबर है? क्या सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? ऑपरेशन लगातार जारी है, अभी क्या कुछ और मिलिटेंट वहां पे हैं ये कह पाना मुश्किल है लेकिन ऑपरेशन लगातार जारी है। रिफत, एक जवान जो जख्मी हुए हैं उनकी स्थिति को लेकर कोई अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, 2 जो जिस तरीके से ये जो नॉन कमीशनड ऑफिसर थे और साथ ही एक और फौजी जवान जो है वो घायल हुए थे, दोनों को क्विकली हॉस्पिटल पहुंचाया गया था लेकिन एक की हालत जो है वो गंभीर थी, वो जख्मों की ताब ना लगा दम तोड़ बैठे हैं लेकिन दूसरा जो आर्मी पर्सनल है उसकी कंडीशन जो है स्टेबल बताई जा रही है लेकिन अभी उसका इलाज चल रहा है। बिल्कुल रिफत, ये बड़ी खबर हम दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। लोलाब घाटी इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। रिफत, जैसा बता रहे हैं कितने आतंकी अभी यहां पर छिपे हो सकते हैं ये कह पाना मुश्किल है लेकिन लगातार रिफत बौखलाहट भी देखने को मिल रही है आतंकियों में क्योंकि चुन चुन कर हमारे जवान, देखिए यही कोशिश है कि आतंकियों के जैसे ही छिपे होने की खबर मिलती है वो यहां से बचकर ना जाने पाए। रिफत, आप नजर बना के रखिएगा, कोई अपडेट होगा तो फिर से आपका रुख करेंगे। जिला कुपवाड़ा के लोलाब इलाके में जारी ऑपरेशन में एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। यह ऑपरेशन कल शाम उस वक्त शुरू हुआ था जब सुरक्षा बलों को मालूम चला था कि इस फॉरेस्ट एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए हैं। फॉरन कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया और उसके बाद कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ, यानी दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। रात भर फायरिंग का सिलसिला रुक रुक के जारी रहा और सुबह जब रोशनी आई, फर्स्ट लाइट आई, तो ऑपरेशन को बड़े पैमाने पर शुरू किया गया और अभी खबर आ रही है कि इस ऑपरेशन में एक मिलिटेंट मारा गया लेकिन ऑपरेशन लगातार जारी है क्योंकि ये जो बड़ा फॉरेस्ट एरिया है इसमें कहां कहां पे मिलिटेंट छुपे हैं वो कह पाना मुश्किल है लेकिन जगह जगह पे इस पीर पंचाल फॉरेस्ट रेंज में ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। फिलहाल लोलाब के ऑपरेशन की खबर ये है कि इस ऑपरेशन में एक मिलिटेंट मारा गया है। तो 2 तस्वीरें अब आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर एक दुखद खबर को बयां करती हुई, कुपवाड़ा में जो मुठभेड़ हुई उसमें एक जवान के शहीद होने की खबर मिल रही है, एक जवान जख्मी बताए जा रहे हैं लेकिन बड़ी कामयाबी यह है कि सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जैसे रिफत भी बता रहे थे, अब एक आतंकी ढेर हो चुका है लेकिन और भी आतंकी यहां पर छिपे हो सकते हैं, लिहाजा सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में अभी भी चलाया जा रहा है।